नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर उसे राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बने करीब एक साल हो चुका है, मगर अब तक यहां चुनाव नहीं हुए हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जीसी मुर्मू ने एक बयान दिया है। इसमें उन्होंने कहा है कि फिलहाल राज्य में चल रहे परिसीमन के बाद चुनाव कराए जा सकते हैं। वहीं चुनाव आयोग ने उपराज्यपाल के इस बयान पर सख्त आपत्ति जताई है और उसे एक तरह से उसके संवैधानिक अधिकारों में दखल अंदाजी की तरह माना है। चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव से संबंधित मामले में दूसरे अधिकारियों को बयानबाजी से बचना चाहिए। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से कहा है कि चुनाव के समय को लेकर कोई भी फैसले का ऐलान चुनाव आयोग ही कर सकता है और इस मामले में किसी की बयानबाजी उसके अधिकार क्षेत्र में दखलंदाजी मानी जाएगी। चुनाव आयोग के अलावा बाकी अधिकारियों के लिए यही ठीक होगा कि वो इस तरह के बयान देने से बचे। आयोग ने कहा कि चुनाव कराने के लिए बहुत सी चीजें दिमाग में रखनी पड़ेगी, जैसे कि नया नक्शा तैयार करना, मौसम, इलाके में तनाव की स्थिति और स्थानीय त्योहारों वगैरह को देखते हुए चुनाव की तारीखें तय की जाएंगी। आयोग ने कहा कि अब कोरोना वायरस भी एक अलग चिंता है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 2018 के बाद से कोई सरकार नहीं बनी है। उस साल बीजेपी और पीडीपी की सरकार सूबे की सत्ता पर काबिज थी, मगर किन्हीं वजहों से बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी के साथ अपना गठबंधन तोड़ लिया था। इसके बाद उम्मीद जताई गई थी कि 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के साथ ही राज्य में चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन चुनाव आयोग ने सुरक्षा का हवाला देते हुए इस संभावना से इनकार कर दिया था और लोकसभा में जीत के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में विशेष राज्य का दर्जा वापस लेते हुए उसे राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। इसके अलावा लेह को जम्मू कश्मीर से अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।